राष्ट्रीय तिरंगा रथ यात्रा का आगाज हुआ, जिसे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने हरी झंडी दिखाई। इस यात्रा में शामिल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने वीरचंद सिंह गढ़वाली को भारत रत्न देने की भी मांग रखी। राज्य 9 तारीख को 20 साल में प्रवेश कर जाएगा और जो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं इन 20 सालों में, उनका कहीं पर हम लोगों ने कोई उनके समाधान के लिए कोई कोशिश ही नहीं की है। और मेरे विचार से अगर भारत रत्न का आज सबसे बड़ा अधिकारी कोई व्यक्ति है तो वो चंद्र सिंह गढ़वाली जी हैं। उस समय क्या आप कल्पना करिए, जब उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ा भारी जो है उनके कि अपने भारतीयों पर गोली चलाई है और उन्होंने जो है उसका प्रतिकार किया, तो वो वहाँ जा रहे हैं कोटद्वार में उनकी मूर्ति के सामने शपथ लेने के लिए। और जब हमने गैरसैंण में पहले कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जिसने अपना वहाँ पर सम्मेलन किया था, उसमें भी आप सब लोग थे, श्री कुंज जी से लेकर के शर्मा जी से लेकर के, तो मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आज जिन सरोकारों से राज्य जूझ रहा है उसके लिए सेवा दल राजेश रस्तोगी जी के नेतृत्व में एक अच्छा काम कर रहा है। और निश्चित रूप से उसकी अनुगूंज यही नहीं बल्कि दिल्ली तक भी जाएगी, जो ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब जैसे हम यहीं पर खड़े हैं, जहाँ पर खड़े हैं ये आपकी ज़मीन नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की ज़मीन है, तो इस तरह की विसंगतियाँ जो राज्य के साथ हो रखी हैं उन सबका समाधान हो सके। हरिद्वार से चलकर ये तिरंगा यात्रा कोटद्वार तक जाएगी। इसके जरिए गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की गई। हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।